यूक्रेन से जारी जंग के बीच रूस ने एटमी ड्रिल शुरू की है। इस दौरान बैलिस्टिक मिसाइल भी लॉन्च की गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक पूरी कवायद को प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने कंट्रोल रूम से देखा। तकनीकी तौर पर इस ड्रिल को स्ट्रेटेजिक डिट्रेंस फोर्स कहा जाता है। चिंतन शिविर में पीएम मोदी ने कहा कि सोशल मीडिया सबसे बड़ी ताकत है, लेकिन इसके इस्तेमाल में सावधानी रखें। फेक न्यूज का छोटा सा हिस्सा पूरे देश में तूफान ला सकता है। लोगों को इस बारे में जागरूक करने की जरूरत है। कुछ भी फॉरवर्ड करने से पहले सोचें। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने साफ किया है कि हमारा मकसद पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर पीओके को दोबारा हासिल करना है। 22 फरवरी 1994 को भारतीय संसद में सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव को सरकार लागू करना चाहती है, जिसे भारत से छीने गए गिलगित और बाल्टिस्तान जैसे विशेष हिस्सों को पाकिस्तान से हासिल किया जा सके। पंजाब में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने पाकिस्तान में बैठे आतंकियों की एक और कोशिश को नाकामयाब कर दिया है। बीएसएफ ने फिरोजपुर से हथियारों से भरा बैग बरामद किया, जिसमें हथियार और गोला बारूद था। बीएसएफ ने बैग को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। केदारनाथ मंदिर के कपाट 27 अक्टूबर को शीतकाल के लिए बंद कर दिए गए हैं। सेना की मराठा रेजिमेंट के बैंड की भक्ति में स्वर के बीच करीब 3000 श्रद्धालु कपाट बंद होने के साक्षी बने। भारत में कोरोना वायरस महामारी के मामले में गिरावट दर्ज की जा रही है। नए केस 2000 के आसपास ही आ रहे हैं। देश में बीते 24 घंटे में 1625 लोगों की कोरोना वायरस रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। वहीं 2417 मरीज रिकवर हुए हैं। इस दौरान 10 व्यक्ति की मौत हुई है। दुनिया भर में कोरोना वायरस के मामले बढ़कर 63,46,00,000 हो गए हैं। इस महामारी से अब तक कुल 65,00,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 12.80 अरब से ज्यादा लोगों का वैक्सीनेशन हुआ है। ये आंकड़े जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी ने साझा किए हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की है। उन्होंने पीएम मोदी को सच्चा देशभक्त बताया। पुतिन ने कहा कि मोदी के नेतृत्व में भारत ने विकास में जबरदस्त सफलता हासिल की है। पुतिन ने ये सारी बातें मॉस्को में वर्ल्डवाइड डिस्कशन क्लब की 19वीं एनुअल मीटिंग में कही। दुनिया के सबसे अमीर शख्स और टेस्ला कंपनी के मालिक एलन मस्क ने गुरुवार को ट्विटर को खरीद लिया है। इसके कुछ घंटे बाद ही सीईओ अग्रवाल को हटा दिया गया है। उनके साथ दो और ऑफिसर, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर नेट सहगल और लीगल अफेयर्स एंड पॉलिसी चीफ विजय गड्डे को भी बर्खास्त कर दिया गया है। देश के अधिकांश राज्यों में मौसम शुष्क बना हुआ है। तापमान में तेजी से गिरावट के कारण ठंड का एहसास शुरू हो गया है। दिल्ली से यूपी तक उत्तर भारत के कई राज्यों में ठंड शुरू हो गई है। मौसम विभाग की माने तो उत्तर भारत के कई राज्यों में अगले 5 दिनों तक मौसम शुष्क ही बना रहेगा।